गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं लाइव क्लास में, और जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ जाइए ताकि हम क्लास जल्द से जल्द शुरू कर सकें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी जान पहचान वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन सबको आप शेयर कीजिए फटाफट चैनल को, ताकि वो भी जुड़ सकें। ठीक है, तो फटाक से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, हम तुरंत ही फिर क्लास शुरू करेंगे, है ना। और चलिए, आज से तो शुरुआत कर रहे हैं हम, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे, होल सिलेबस हम कवर करेंगे, इसलिए बी रिलैक्स्ड। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके सर्किल में जो भी हैं पढ़ने वाले, सबको आप शेयर कीजिए फटाफट नहीं चैनल को, और सबको कहिए जुड़ने के लिए। ओके, हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि लाइव क्लास लेंगे, पर ले नहीं पा रहे थे, बट अब लाइव क्लास शुरू हो चुकी है तो कंटिन्यू होगी। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तो फिर पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और आएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलिए, हेडिंग दिया गया है साइंस, है ना, और आप देख रहे हो वहाँ क्या लिखा हुआ है, साइंस वर्ड कहाँ से आया है। तो दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंसिया, जिसका मतलब होता है नो, है ना, टू नो मतलब जानना। तो यहाँ से साइंस लिया गया है, ठीक है। और संस्कृत में जो इसके लिए वर्ड आता है वो है विज्ञान, और अरेबिक में जो वर्ड यूज होता है वो है इल्म, है ना। तो विज्ञान और इल्म, विज्ञान आपका संस्कृत वर्ड हो गया, ठीक है, विज्ञान जो है वो आपका संस्कृत वर्ड हो गया, और इल्म जो है वो आपका अरेबिक वर्ड हो गया, और इसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। पर जो साइंस, साइंस हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली लिया गया है लैटिन वर्ड आपका साइंसिया से, ठीक है। साइंसिया का मतलब क्या, साइंसिया एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू नो यानी जानना, मतलब बेसिकली आप समझ ही गए, है ना, साइंस जानकारी, ठीक है, जानने की कोई चीज़ हम बहुत डीपली जानना चाहते हैं, ठीक है, और ये काम जिस जगह करते हैं वो है हमारा साइंस। ओके, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बिकॉज साइंस के बारे में तो खैर बहुत कुछ हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और अमूमन हर टीचर जो है वो इस पे चर्चा करते ही हैं, ठीक है, फिर भी एक परंपरा सी रही है कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो फिर एक बार बैकग्राउंड लेते हैं, ठीक है, बेसिक बातें जो साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, इन सब पे चर्चाएं होती ही हैं, है ना। तो बस वही परंपरा समझ लीजिए, ठीक है, हमें पता है कि आपको पहले से ही पता है कि साइंस क्या होता है, ठीक है, फिर भी चलिए। साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। ओके, तो साइंस जो है वो क्या है बताइए, साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना, नेचर में जो भी घटनाएं घट रही है, ठीक है, जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो कुछ भी, दूध को आपने दही बनते देखा है ना, उसके बाद चिड़िया को उड़ते हुए देखा है, आंधी तूफान, है ना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हुए देखा, एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, ठीक है, जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है ना, तारे हैं, चांद है, चांद पृथ्वी के आगे जो घूम रही है, ठीक है, मतलब चारों तरफ, सॉरी तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके सामने, जो भी घटनाएं घट रही है, ठीक है, उन सब के बारे में
ठीक है, डिटेल से अध्ययन करना है, इतना डिटेल और इतना डेप्थ में जा कर के, मतलब जितना डिटेल्स हो सके, जितना हम डेप्थ में जा सके, नहीं जो भी जितना पॉसिबल हो सके उस हद तक उसको जानने की कोशिश करते हैं, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो नॉलेज क्यों हम गेन करने के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि जब उससे जो हमें नॉलेज मिलेगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्रिडिक्शन में। ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, है ना। साइंस पढ़ के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे मौसम विभाग देखते हो पहले ही बता देता है कि हाँ कब बारिश होने वाली है, ठीक है, कब तूफान आने वाला है, तो सब कुछ वो पहले बता देता है, प्रिडिक्शन कर देता है, भविष्यवाणी कर देता है। तो किसके बदौलत ये पॉसिबल हो रहा है? साइंस के बदौलत, है ना। हम किसी चीज़ को किसी हाइट से छोड़ेंगे नहीं, किसी ऊंचाई पर ले जाकर मान लो मैं इस मार्कर को गिराता हूँ तो नीचे पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी स्पीड से टकराएगा ज़मीन से, कितना उसको समय लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं जब गिराऊंगा तभी मुझे पता चलेगा, मैं पहले भी बता सकता हूँ कि जब वो ज़मीन से टकराएगा उस वक्त उसकी क्या स्पीड होगी, उसको ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा। ये सब कुछ भविष्यवाणी नहीं, प्रेडिक्शन मैं कर दूंगा, ठीक है, किसके कारण? साइंस के कारण। जो साइंस हम पढ़ रहे हैं, नहीं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो हमें प्रिडिक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर कैसे बता देता है कि ये घाव कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी तो प्रिडिक्शन कर रहा है ना, वो भी तो प्रिडिक्शन करता है कि अच्छा ये दवा देंगे तो ये होगा और फिर ये पेशेंट जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। तो जो प्रिडिक्शन है, जो मॉडिफिकेशन है, और जो फेनोमिनन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस किसी फेनोमिनन में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेज ला सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर हमने साइंस जान लिया तो, ठीक है। जैसे कमरे का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर लेते हो ना, काफ़ी गर्मी पड़ रही है पर आपने एसी लगा लिया और आपने कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल कर दिया, ठीक है, बाहर सूरज जो है एकदम गुस्से में है और वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ जला दूंगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने एयर कंडीशन लगाया और गर्मी अपने कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया। तो ये तो साइंस के बदौलत ही हुआ ना, अगर साइंस नहीं होती तो फिर हम ये कैसे कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। अकबर इतना बड़ा राजा था पर उसके पास एयर कंडीशन नहीं था, एसी नहीं था समझ रहे हो, क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय वो साइंस नहीं थी जो एयर कंडीशन बना सके, है ना। उसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं था, जो आप क्या करते हो आइसक्रीम बना के खाना शुरू कर देते हो, उस समय रेफ्रिजरेटर नहीं था। अकबर को भी पहाड़ों पे जाना पड़ता अगर आइसक्रीम खाना होता, ठीक है, या फिर बारिश का इंतजार करना पड़ता है, इसमें ऊपर से पत्थर गिरते हैं, आइसक्रीम बर्फ़ गिरते हैं, तो उसको बारिश का इंतजार करना पड़ता तब जाके उसे बर्फ़ मिलती। पर आज क्या है, आज आप अपने घर में जब चाहे तब बर्फ बना सकते हो, ठीक है। तो किसी भी फेनोमिनन को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ किसके बदौलत होता है? साइंस के बदौलत होता है, ठीक है। तो साइंस जो है, ठीक है, साइंस जो है वो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। अच्छा, साइंस की शुरुआत कैसी हुई होगी? देखो, जब हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जिज्ञासा तो उठती ही है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जो क्यूरियोसिटी है ना, द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार को जान के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, एंड अनरिवेलिंग द सीक्रेट ऑफ द नेचर, है ना, कि नेचर में जो भी रहस्य है इसका पर्दाफाश करना है, ठीक है, जानना है कि आखिर क्या बात है, क्या राज है। तो ये पहला वो अटेम्प्ट रहा होगा जहाँ से साइंस की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है। तो साइंस की जो शुरुआत है उसमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है, आपकी जिज्ञासा नेचर को, वर्ल्ड को समझने की, और जो सीक्रेट है उसका, उसको जानने की, है ना, उसका पर्दाफाश करने की जो जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं साइंस में फर्स्ट स्टेप का काम करती है। देखो, साइंस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही हम फिजिक्स पे आने वाले। देखो, बेसिकली मैंने हेडिंग भी दिया था कि लाइव क्लासेस में कि हम फर्स्ट क्या करेंगे कि फिजिक्स पे चर्चा करेंगे, तो मुझे जल्द से जल्द फिजिक्स पे पहुंचना है, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे नहीं घुमाऊंगा। देखो, साइंस को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो बेसिकली साइंस तीन हिस्सों में बढ़ जाता है आपका। एक फॉर्मल साइंस होता है, एक सोशल साइंस होता है जिसको आप जानते ही हो, और एक होता है नेचुरल साइंस,
ओके। तो फॉर्मल साइंस जैसे लॉजिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब आपका जो कुछ भी आता है वो फॉर्मल साइंस में आता है। सोशल साइंस आप समझ रहे हो, ठीक है, जो सोशल से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो। और ये जो नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लाइफ साइंस हो जाता है और एक फिजिकल साइंस हो जाता है। लाइफ साइंस आप समझ रहे हो जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी को भी आपने बांट दिया है बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी आप समझ रहे हो कि लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। उसके बाद फिजिकल साइंस में आते हैं, तो फिजिकल साइंस में आपका आता है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, अर्थ है। तो बेसिकली जो फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस है और ये किसका हिस्सा है, नेचुरल साइंस का। मतलब साइंस में भी आपने देखा ना, साइंस में कितने हिस्से हो गए, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। तो जो सब्जेक्ट फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो आपका आता है नेचुरल साइंस की कैटेगरी में, ओके। तो ये आपका नेचुरल साइंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और नेचुरल साइंस भी बढ़ जाता है आपका लाइफ साइंस में और फिजिकल साइंस में। लाइफ साइंस में आपकी बायोलॉजी आ गई, फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ, ये सब आ गया। तो बेसिकली जो फिजिक्स है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि पार्ट है नेचुरल साइंस का, ठीक है। आप समझ रहे हो साइंस का जो मैंने डिवीजन किया उसमें फिजिक्स कहाँ जाके बैठ रहा है, ठीक है। पर देखा जाए तो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो लगभग हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फिजिक्स जो, देखो फिजिक्स जो है ये वर्ड कहाँ से आया फिजिक्स, वो देखिए, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, नहीं फिजी, फिजी, फिसी बोल दिए, फिसी, जिसका मतलब होता है नेचर, है ना, ये ग्रीक में लिखा हुआ है फिसी। तो फिसी का मतलब क्या हुआ, तो फिसी का मतलब होता है नेचर, ओके। तो जब नेचर का ही ये स्टडी हो गया एक तरह से, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, है ना। जब फिजिक्स को डिफाइन करने की बात आती है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज एंड नेचुरल फिनोमेना। और नेचुरल फिनोमेना जो है, जो नेचर की घटनाएं घट रही है, ठीक है, उनकी, उनके नियमों का, उनके बारे में जो स्टडी है, ठीक है, वही हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स तो लगभग सब कुछ कंटेन कर लेगा ना, सब कुछ आ जाएगा जब पूरा, जब नेचर के लॉज को जानने चलेंगे तो फिजिक्स में सब चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये हर जगह है। तो फिजिक्स पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एक बार फिजिक्स पढ़ने लगते हो ना, तो आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा होता है वो आपको समझ में आने लगता है, उसको देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। अच्छा ये बात हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये होना है, आप प्रिडिक्शन भी करने लगते हो, आप समझने लगते हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद आप उसमें प्रिडिक्शन की भी बात करने लगते हो कि आगे अब क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, ये प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हो फिजिक्स में, ओके। तो फिजिक्स जो है वो स्टडी है लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। देखो हम लोग फिजिक्स पे आ चुके हैं, फिजिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यहाँ पर ये ग्रीक में लिखा हुआ है फिजी, इसका मतलब होता है नेचर। तो यहीं से आपका जो वर्ड है फिजिक्स वो लिया गया है और बेसिकली ये नेचर और नेचर के में जो घटनाएं घट रही है उसके नियमों की ही स्टडी है, ओके। अच्छा फिजिक्स को और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो एक और डिफिनीशन जो बच्चे हमेशा पढ़ते आते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जो है ना वो मेजरमेंट का साइंस है, मतलब इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, हर चीज़ मापने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं टहल रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ ये मापने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरी स्पीड क्या है, नहीं मैं किस स्पीड से यहाँ पर टहल रहा हूँ, चाहे दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने कितना समय लिया नहीं पहुँचने में, कितना मुझे मैंने डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है। अभी जैसे मैंने धक्का दिया, ठीक है, किसी चीज़ को धक्का दिया, तो फिर हम वहाँ भी मेजरमेंट करने लगते हैं कि आखिर मैंने कितना फोर्स लगाया, फिर जब मैंने इसको धक्का दिया तो कितना मैंने वर्क किया, है ना, मैंने कितना काम किया, क्योंकि बिकॉज जब मैंने उसको फोर्स लगा के धकेला तो कहीं ना कहीं मैंने काम किया, मेरी एनर्जी खर्च हुई, तो मैंने कितना काम कर दिया, है ना, कितनी एनर्जी खर्च हुई,
उसे कितनी एनर्जी मिली। तो हर एक चीज़ को फिजिक्स में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, मापने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी यहाँ हर चीज़ क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, हर चीज़ को मापा जाता है। ओके, तो चलिए फिजिक्स एंड मैथ। अच्छा, फिजिक्स एंड मैथ की बात हो रही है तो भैया ठीक है, फिजिक्स में मैथ आएगा ही आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है, और जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें मैथ आ ही जाएगा, बिना मैथ का फिजिक्स होएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में क्या करते हो, नेचर के नियमों का अध्ययन करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मान लो ये मार्कर है, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्या होता है, बताओ, नीचे की तरफ गिरता है ना। तो फिर हम सोचेंगे नीचे की तरफ गिरता है, क्यों गिर रहा है, तो पता चला कि अच्छा ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो खींच रही है। तो फिर एक सवाल आता है कि कैसे खींच रही है, क्या लॉ है ना। तो जब उस लॉ को हम लिखेंगे, ठीक है, लॉ को जब लिखना शुरू करेंगे तो एक फॉर्मूला टाइप का आ जाए, एक्सप्रेशन टाइप का आ जाएगा। ठीक है, जैसे न्यूटन ने बताया था कि कोई भी दो मास, ठीक है, न्यूटन का जो आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आप पढ़े होंगे कि कोई भी दो मास है, एक मास मैं m1 बोल दे रहा हूँ, दूसरा m2 बोल दे रहा हूँ, और दोनों के बीच अगर r डिस्टेंस है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये फोर्स लगाते हैं, जैसे कि अभी क्या एक मास अर्थ है और एक मास ये मार्कर हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं, है ना। हमें तो लगता है कि बस अर्थ इसको खींच रही है, पर रियलिटी में केवल अर्थ इसको नहीं खींच रही है, बल्कि अर्थ को ये खींच रहा है, अर्थ को भी ये खींच रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, नहीं हमें तो लग रहा है कि बस अर्थ इसको खींच रही है, ये भागा जा रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ तो वहीं का वही है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, असल में दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, ये भागता नजर आता है, ये नहीं आता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे फिर कभी। लेकिन अभी जान लीजिए कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब इस फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है g m1 m2 / r2। ठीक है, ये फोर्स इसी हिसाब से काम करता है, F = g m1 m2 / r2। ओके, तो ये जो लॉ आया, ये जो न्यूटन के द्वारा दिया गया जो लॉ है ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें एक मैथ आ गया ना, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, इस लॉ से कोई और लॉ निकालेंगे तो मैथ तो आ ही जाएगा। बिना मैथमेटिक्स का कैसे आप लॉ को मतलब फॉर्मूला में बदलोगे, फिर उससे नए फॉर्मूला ड्राइव करोगे, ठीक है, या फिर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, तो मैथ तो आएगा ही, हर जगह आएगा। तो बिना मैथ का फिजिक्स नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे फिजिक्स तो अच्छी लगती है पर मैथ्स के कारण मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, चाहे पढ़ता हूँ। तो भैया मैथ से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, है ना, बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स नहीं होने वाला, असल में बिना मैथ्स का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो, बिना मैथ का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब जैसे कि हमारे एक सर हैं, ठीक है, तो वो सर जो हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है, और डॉक्टर हैं तो समझ रहे हो बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। तो उनका जो स्टेटमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो बोलते हैं कैसी, देखो बायोलॉजी उसी की अच्छी होगी जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, और केमिस्ट्री उसकी अच्छी होगी जिसका फिजिक्स अच्छा होगा, और फिजिक्स उसका अच्छा होगा जिसका मैथ अच्छा होगा। समझ रहे हो मतलब क्या है स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ठीक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक डॉक्टर का स्टेटमेंट है। ठीक है, आप मत कहना कि भैया कि आप मैथ्स के टीचर हो, फिजिक्स के टीचर हो, इसलिए फिजिक्स मैथ का साइड ले रहे हो, तो ये जो इल्ज़ाम है ना, ये मेरे पे मत लगाइए। ठीक है, डॉक्टर का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं देखो बायोलॉजी उसी की अच्छी होगी जिसकी क्या अच्छी होगी, केमिस्ट्री। ठीक है, अगर केमिस्ट्री अच्छी है तभी बायोलॉजी अच्छी है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो फिर बायोलॉजी अच्छी होने वाली नहीं, और केमिस्ट्री अच्छी तभी होगी जब आपका क्या अच्छा होगा बताओ, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स अच्छा होगा तभी केमिस्ट्री अच्छी होगी। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में फिजिक्स कहाँ से आ गया, बिल्कुल आया, ठीक है,
आप बोलते हो, आप पढ़ते हो, सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो आखिर ये बॉन्ड क्यों बना, ठीक है, कैसे बना, इसमें तो फिजिक्स आता ही है ना, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत आप पढ़े होगे, केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Na प्लस बना लेता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है, Cl माइनस बना लेता है, और फिर ये प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है ना, चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, और उस फोर्स की वजह से, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ भी हम ये सब कैसे बॉन्ड बन रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कोई दो एटम मिलके बॉन्ड बना भी सकता है या नहीं बना सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन ही पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो पॉसिबल है भी या नहीं, अगर है तो फिर कितनी एनर्जी लगेगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये सब कुछ कहाँ से कैलकुलेट होता है भैया, फिजिक्स से ही। नहीं, फिजिक्स ही तो बताता है कि वहाँ क्या चल रहा है ना। तो केमिस्ट्री में भी फिजिक्स आता है, बहुत बच्चे लग रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, बिल्कुल अलग है, पर जुदा नहीं है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। चलिए, अच्छी बात है। तो केमिस्ट्री उसकी अच्छी होगी जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी, और फिजिक्स उसी का अच्छा होगा जिसका मैथ्स अच्छा होगा, समझ में आ रहा है। यानी मैथ्स अच्छा तो फिजिक्स अच्छा, फिजिक्स अच्छा तो केमिस्ट्री अच्छा, केमिस्ट्री अच्छा तो बायोलॉजी अच्छा। यानी अगर आपको बायोलॉजी में भी कुछ करना है तो मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, आज फिजिक्स की क्लास के लिए मैंने सबको बुलाया था, पर मैं आप सबको क्या कर रहा हूँ, मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स से भागना नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मैथ्स में रिसर्च कर लो, ठीक है, मैथ में रिसर्च करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैथ्स को पढ़ना है, ठीक है, जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैथ्स को पढ़ना है। बिकॉज अगर मैथ्स को पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारा फिजिक्स जो है ना वो अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। फिजिक्स अच्छा नहीं होगा तो आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं होगी। आप सोचोगे केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पढ़ लिए हैं, पर समथिंग इज मिसिंग, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा कर लोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको फिजिक्स को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स को भी अच्छा समझना पड़ेगा, और फिर बायोलॉजी को भी बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए भी ये सब जरूरी है। बायोलॉजी तभी अच्छी है जब केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री तभी अच्छी है जब फिजिक्स अच्छा है, और फिजिक्स तभी अच्छा है जब मैथ्स अच्छा है, ठीक है। अब ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है भैया, ठीक है, ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है। सो प्लीज़ इसको ये मत कहना कि सर जो है ना वो मैथ फिजिक्स वाले हैं इसलिए मैथ की तारीफ किए जा रहे हैं। चलिए वापस आते हैं अपने फिजिक्स पे, ठीक है। तो फिजिक्स जो है देखो, फिजिक्स बिना मैथ्स का चलेगा नहीं, ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर फिजिक्स एंड मैथ, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिना मैथ का फिजिक्स नहीं होने वाला, ठीक है। फिर से फोकस करते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। पहली बात, हर चीज़ मापने की कोशिश करते हैं, तो ये मापतोल का ही विज्ञान है, ठीक है। दूसरी बात है कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और तीसरा जो है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, फोर्स, फील्ड, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। देखो, फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बात किसी करेंगे, मैटर की बात किसी करेंगे, फोर्स की, ठीक है। तो मैटर, फोर्स, फील्ड समझते हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, और फिर इनका जो इंट्रैक्शन एक दूसरे से जो लेना देना है, ठीक है, उन सब की जो स्टडी है वो है हमारा फिजिक्स, ओके, समझ में आ रहा। तो फिजिक्स को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, पर मोटा मोटी फिलहाल फिजिक्स का डिफिनेशन हम लोग यही दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखो, जब फिजिक्स की बात होती है तो फिर जाहिर सी बात है कुछ क्वांटिटीज़ आ ही जाएंगे, है ना। जैसे कि फिजिक्स के बारे में आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट किसका होगा, ठीक है, मेजरमेंट किसका होगा बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ तो आप मेजरमेंट क्या करोगे, स्पीड का, मेरा थोड़ी करोगे मेरा नहीं करोगे, आप मेरे स्पीड का मेजरमेंट करोगे, ठीक है, कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्पीड है जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हो वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है।
आप जैसे कि इस मार्कर को ही देखो, ठीक है, तो इस मार्कर क्या में आप मेजर करने के लिए क्या है, जैसे कि इसका वॉल्यूम कितना है ना, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका वेट क्या है, तो ये सब जो क्वांटिटी है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ये सब क्या है, इन सबको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में आप जो जो चीज़ें मेजर करने चलते हो ना, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफिनीशन देना हो तो कैसे दे सकते हैं कि एनी थिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, वेट हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ठीक है, देखो जब हम फिजिक्स को डिफाइन कर, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ जिसे मापा जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जब बच्चों से पूछा जाए कि अच्छा क्या क्या माप सकते हो, ठीक है, तो अधिकतर जो सुनने को मिलता है बच्चों से कि वो बोलेंगे क्या जी, टमाटर, आलू, परवल, भिंडी, नहीं टेबल, कुर्सी, ये सब। तो भैया टेबल में क्या माप सकते हो, टेबल थोड़ी मापते हैं, ठीक है, टेबल को थोड़ी मापते हैं, टेबल का क्या मापते हैं, उसका वेट, उसका हाइट, उसका मतलब क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया। तो टेबल तो नहीं माप रहे ना, टेबल का सरफेस एरिया माप रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी टेबल को नहीं कहेंगे, टेबल के सरफेस एरिया को कहेंगे, है ना। डिफिनीशन सुन के कन्फ्यूज नहीं होना है कि डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है कि एनी थिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चीज़ जिसे आप माप सकते हो, ठीक है। अब ऐसा डिफिनेशन सुन के ये मत समझना कि मैं टेबल को माप रहा हूँ तो टेबल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, नहीं, टेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टेबल का जो वेट है वो फिजिकल क्वांटिटी है, टेबल की जो वॉल्यूम है वो फिजिकल क्वांटिटी है, टेबल का जो सरफेस एरिया है वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी टेबल नहीं हुआ, फिजिकल क्वांटिटी कौन हुआ, सरफेस एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, है ना, लेंथ हुआ, ठीक है, फोर्स हुआ, जैसे मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ तो मैंने कितना धक्का, कितना मतलब जोर से धक्का दिया, कितना उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो वहाँ फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, बिकॉज हम उसको मेजर करेंगे, फोर्स को मेजर करेंगे। तो जो भी चीज़ें आप मेजरमेंट करते हो ना, मेजर करते हो, वो सब कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब एक सीधा सा और क्वेश्चन आ रहा है, मेजरमेंट क्या है, ठीक है, मापना क्या होता है, ठीक है, सबको पता है मापना क्या होता है, बताइए मापना क्या होता है, पता है, अच्छा ठीक है। सुधांशु गुप्ता बोल रहा है कि सर मेरा मैथ्स अच्छा है पर फिजिक्स ठीक नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, आपने फिजिक्स पर ध्यान नहीं दिया होगा ना, इसलिए आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट को जब तक ध्यान समय नहीं देंगे, ठीक है, उसको जानने के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकालेंगे उसके लिए, तब तक वो कैसे अच्छा होगा, समझ में आ रहा है ना। जिस चीज़ का ख्याल रखते हैं वही अच्छा होता है। जैसे कोई बहुत से लोग जो रहते हैं अपने बॉडी को लेकर के लापरवाह रहते, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है उनके पास बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे सुविधा हो, फिर भी बीमार रहेंगे, क्योंकि वो अपने बॉडी, अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे ना। पैसे तो है उनके पास, ऐसा आराम की सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी वो बीमार रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हाँ भाई टाइम पे खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो ठीक है, तो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अच्छा मकान बना ले, बहुत बढ़िया, और फिर उस पर ध्यान नहीं दे, छोड़ दे उसको, तो फिर कुछ दिन के बाद तो वो भी खंडहर हो जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ का जब तक ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, नहीं उसमें डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, वो अच्छा नहीं होने वाला। आपका मैथ अच्छा है लेकिन आपने फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश नहीं किया, उतना सीरियसली नहीं लिया, आपको लगा कि बस ये क्वेश्चन आंसर करना है, पास करना है, तो कैसे अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी फिजिक्स के क्लासेस रेगुलर होंगे, है ना, और आप लोग को लाइव क्लासेस में जुड़ना है और पढ़ना है। देखो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और आप लोग अच्छा पढ़ोगे भी, ठीक है। लगातार क्लास करो, लगातार क्लास करो, अगर फिजिक्स से प्यार नहीं हो गया तो कहना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में, ओके। तो मेजरमेंट क्या है मैंने पूछा था, तो एक बच्चा बोल रहा है, अभिनव कह रहा है मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। अच्छा, किसी भी चीज़ को मापना क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो भैया सवाल तो यही है ना, मापना क्या है, ओके, मापना क्या है, कोई तो बताओ, जवाब दो भाई।
मापना क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? देखो फिजिक्स जो है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट है, माप तौल का है। तो सबसे पहले फिजिक्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये समझते हैं कि मापना होता क्या है। ठीक है, मापना होता क्या है पहले तो ये समझ लें। मापना क्या होता है पहले ये तो समझें। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैं बताता हूं। जब भी कोई चीज मापनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको लेंथ मापना है, काम करते हैं मैं आपके सामने एक लेंथ देता हूं, ठीक है, और कहता हूं कि इसको माप के बताओ। जैसे कि मान लो ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड नहीं, मतलब जो भी डिजिटल बोर्ड है, तो इस बोर्ड का मैं लेंथ मापने के लिए कह रहा हूँ कि कितना लंबा है। ठीक है, क्या करोगे आप? एक खास तरह का लेंथ उठाओगे, जैसे मैंने इसको उठा लिया एक तरह का लेंथ। देखो लेंथ मापना है तो मैं लेंथ को उठा रहा हूँ, ठीक है, मापना क्या है तो लेंथ। तो लेंथ मापने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड लेंथ ले लिया, ठीक है, और फिर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। देखो एक दो तीन चार और ये रहा पांच, ठीक है, समझ रहे हो? मैंने क्या किया, मैंने लेंथ मापने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंथ लिया और फिर उससे इसको कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ है, देखो पहले तो मुझे नहीं पता था कि कितना बड़ा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ है ना, ये इस लेंथ का 5 times है। ठीक है, हो गया मेजरमेंट। ये नहीं जानना था ना ये कितना बड़ा है, तुम बता तो दिया कि ये जो लेंथ है इस लेंथ का 5 times है, समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं मापना। समझ में आ रहा है कि मैंने यहां क्या किया, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मापना था मैंने उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया। जैसे यहां लेंथ को मापना था तो मैंने एक स्टैंडर्ड लेंथ लिया, राइट? तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को मापना है उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लीजिए और फिर दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, हो गया मेजरमेंट, है ना? जैसे कि अगर मान लो मास को, वॉल्यूम को ही मापना होता, सपोज दैट मुझे वॉल्यूम मापना है, ठीक है, जैसे मुझे जानना है कि मतलब कोई बड़ा सा ड्राम है, उस ड्राम में पानी रखा हुआ है सपोज करो, तो मुझे जानना है कि इस ड्राम के अंदर कितना पानी है, है ना, मतलब कितना जगह पानी छेके हुए है, पानी का वॉल्यूम जानना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बाल्टी पकड़ूंगा। अब देखो बाल्टी का क्या है, एक अपना वॉल्यूम है, ठीक है, बाल्टी में जो पानी आएगा वो एक खास जगह को घेरता है, तो उसका अपना एक वॉल्यूम हो गया। तो अब मैं बाल्टी से उस पानी को, सॉरी बाल्टी से उस ड्राम के पानी को भर भर के दूसरे ड्राम में रखना शुरू करूँगा। ठीक है, एक बार ऐसे भरा फिर रख दिया, फिर दूसरी बार बाल्टी भरा नहीं, फिर दूसरे ड्राम में रख दिया, ऐसे करते जाऊंगा। और सपोज दैट 15 बार में उस ड्राम का सारा पानी बाल्टी में भर के इधर आ गया, तो समझ में आ गया ना कि इस ड्राम में कितना पानी था जी, 15 बाल्टी, है ना, मतलब इस ड्राम में जितना पानी था उसका वॉल्यूम 15 बाल्टी के वॉल्यूम के बराबर है, हो गया मेजरमेंट। तो वॉल्यूम मापने के लिए मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले लिया, है ना, समझ में आ रहा है? जैसे बाल्टी का जो वॉल्यूम क्या है वो स्टैंडर्ड वॉल्यूम हो गया। तो मैंने पानी का वॉल्यूम मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिया और उस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास कहने, देखो पहले मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, मुझे भी पूछा गया कि बताओ ड्राम में कितना पानी, तो मैं बता नहीं पा रहा था, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब तो कहने के लिए हो गया ना कि हाँ भाई 15 बाल्टी है, यानी 1 बाल्टी का 15 गुना, इस 1 बाल्टी में जितना आता है ना पानी उसका 15 times ले लो उतना है, तो अब तो मैं बता पा रहा हूँ ना कि कितना है, तो कहने का मतलब मेजरमेंट तो हो ही गया ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मेजरमेंट पे बस यही होता है कि क्या करते हैं कि जिस चीज़ को मापना है, नहीं जिस भी क्वांटिटी को मापनी है उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लीजिए और फिर दोनों को कंपेयर कर दीजिए, हो गया मेजरमेंट, है ना। लेंथ मापने के लिए क्या करोगे, स्टैंडर्ड लेंथ लोगे और फिर उससे उसको कंपेयर कर दोगे, लेंथ मेजर हो जाएगा। मास मापने के लिए क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड मास लोगे और उससे उसको कंपेयर करोगे, हो गया मेजरमेंट। टाइम मापने के लिए क्या करोगे,
एक स्टैंडर्ड टाइम लोगे और फिर उससे उसको कंपेयर करोगे। इन द सेम वे अगर फोर्स मापना है, सपोज मैंने किसी को धक्का दिया या मैं किसी चीज़ को धकेल रहा हूँ, तो फिर एक सवाल आएगा ना कि कितना फोर्स लगा के मैंने इसको धकेला, मैं क्या फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है मेरा फोर्स कितना बड़ा है। तो अगर मुझे फोर्स मापना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, एक स्टैंडर्ड फोर्स लेना होगा और फिर उस फोर्स से इस दिए गए फोर्स को कंपेयर करना होगा। सिंपल, समझ रहे हो ना, पूरे फिजिक्स में यही करने वाला, पूरे फिजिक्स में क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट। और मेजरमेंट का मतलब क्या है, जो भी चीज़ मापनी है उसके जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पकड़िए और कंपेयर कीजिए। अगर फोर्स मापनी है तो फिर एक स्टैंडर्ड फोर्स पकड़ लीजिए। समझ में आ रहा है, जैसे कि आप फोर्स को किसे मापते हो, न्यूटन में। न्यूटन क्या है, एक स्टैंडर्ड फोर्स है, एक खास फोर्स को 1 न्यूटन कहा जा रहा है, ठीक है। अब आपका फोर्स अगर उस फोर्स का 10 गुना है तो हम बोलेंगे आपने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। समझ रहे हो ना, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फोर्स को 1 न्यूटन कहा गया। आप लेंथ को किसे मापते हो, मीटर में, तो मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड लेंथ है, खास तरह का लेंथ है जिसका नाम दिया गया है मीटर, है ना। और आप उस स्टैंडर्ड लेंथ से किसी भी लेंथ को कंपेयर करके बताते हो कि हाँ वो 7 मीटर है, वो 10 मीटर है, वो 9 मीटर। तो आप जब देखते हो कि वो जो लेंथ है वो इस लेंथ का 7 टाइम्स है तो 7 मीटर बोलते हो, है ना। आप बोल देखते हो कि जब जो दिया गया लेंथ है वो इस खास लेंथ का 10 टाइम्स है तो 10 मीटर रिपोर्ट करते हो, हाफ टाइम है तो हाफ मीटर रिपोर्ट करते हो। तो बेसिकली करते क्या है फिर मेजरमेंट में, कि जिस भी क्वांटिटी को मापनी है उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी पकड़ते हैं और फिर दोनों को कंपेयर कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे ही मेजरमेंट होता है। आपको अगर एनर्जी मापनी है क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड एनर्जी लोगे और उससे उसको कंपेयर कर दोगे, है ना। एक खास एनर्जी को आपने, आप 1 जूल या फिर 1 कैलोरी कहते हो। एनर्जी किसे मापते हो, जूल में चाहे कैलोरी भी मापते हो, तो जूल क्या है, एक स्टैंडर्ड एनर्जी है। समझ में आ रहा है ना, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर 1 मीटर किसी चीज़ को ढकेला जाए तो जितनी एनर्जी लॉस होती है, जितना एनर्जी आपका खर्च होता है या जितना आप काम करते हो, उसको 1 जूल कहा जाता है। क्लियर है, तो 1 जूल क्या है, एक स्टैंडर्ड एनर्जी है और उस एनर्जी से हम दिए गए एनर्जी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर उसका 10 टाइम्स है तो बोलेंगे 10 जूल है, हाफ टाइम है तो हाफ जूल है, 50 टाइम है तो 50 जूल है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। चार्ज को ही मापना है तो क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड चार्ज को पकड़ेंगे, ठीक है। चार्ज को किसे मापते हो बताओ, किसी को पता है, एनीवन कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, बताओ कि चार्ज का, चार्ज को किस में मापते हैं, किसी को पता है चार्ज को किस में मापते हैं, नहीं पता है, कमाल है, पढ़े हो गए, देखो चार्ज को किसे मापते, जल्दी कमेंट करो फटाफट। किसी को नहीं पता है, गलत हो गया भाई, ठीक है। चार्ज को मापते हैं क्यू में नहीं, कूलम्ब में मापते हैं, ठीक है। क्यू से उसका नोटेशन होता है, ठीक है, क्यू से आप चार्ज को डिनोट करते हो, पर मापने का मतलब होता ना, कि मापने का मतलब क्या बताया अभी, उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेना और उसे कंपेयर करना, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज को हम लोग मापते हैं कूलम्ब में, ठीक है, कूलम्ब में मापते हैं। कूलम्ब इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो कूलम्ब में मापते, तो कूलम्ब क्या है, एक स्टैंडर्ड चार्ज है, कूलम्ब जो है वो एक स्टैंडर्ड चार्ज है, ओके। और उस चार्ज से हम बाकी चार्ज को कंपेयर करते हैं, अगर उस चार्ज का 10 टाइम्स मिलेगा तो बोलेंगे 10 कूलम्ब चार्ज है, हाफ टाइम मिला हाफ कूलम्ब चार्ज है, 50 टाइम मिला 50 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज भी एक खास चार्ज को कहा गया, हर चीज़ को डिफाइन भी किया गया। देखो जो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, नहीं देखो फिर से कन्फ्यूज नहीं हो, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, किसी क्वांटिटी को मापने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी पकड़ते हैं और उससे उसको कंपेयर करते हैं। तो जो इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पकड़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहा जाता है यूनिट, समझ ना, उसको यूनिट कहा जाता है। जैसे लेंथ मापने के लिए आपने किसको पकड़ा, मीटर को, मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड लेंथ है, तो बेसिकली मीटर यहाँ कहलाएगा लेंथ का यूनिट, है ना। फोर्स मापने के लिए आपने किसको पकड़ा, न्यूटन, एक स्टैंडर्ड फोर्स,
जिसको आप न्यूटन कहते हो। तो न्यूटन क्या हुआ, फोर्स का यूनिट हो गया। क्लियर हो गया ना। चार्ज मापने के लिए किसको पकड़ रहे हो, एक स्टैंडर्ड चार्ज को पकड़ रहे हो जिसको कूलम्ब कहते हैं। तो कूलम्ब क्या है, कूलम्ब क्या है, यूनिट हो गया चार्ज का। समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा है। तो जो यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट जो है ना, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेंगे, है ना, उसका डिफिनीशन होगा कि हाँ कितने, किसको हम कहेंगे। जैसे मीटर है, तो मीटर क्या है, खास तरह के लेंथ को कहा गया है ना, कि हाँ इतना बड़ा लेंथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। ग्राम है, किलोग्राम, ग्राम क्या है, मास का यूनिट है। आप मास मापने के लिए क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड मास लेते हो और उससे उसका कंपेयर करते हो। तो जो स्टैंडर्ड मास है वो ग्राम होता है चाहे किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ग्राम, किलोग्राम, ये सब क्या हो गए, मास के यूनिट हो गए, ठीक है। टाइम ही मापना होता है तो आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हो, उससे कंपेयर करते हो। तो स्टैंडर्ड टाइम सेकेंड होता है या फिर आवर होता है। तो सेकेंड, आवर, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है जिससे हम किसी दूसरे टाइम को कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे वन आवर एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो वन आवर का फाइव टाइम अगर समय बीत चुका है तो उसको बोलेंगे कि फाइव आवर हो गया, फाइव आवर समय लग गया, है ना। तो सेकेंड, आवर, मिनट, ये सब क्या हो गए, ये सब यूनिट हो गए। और यूनिट जो भी आप सेलेक्ट करते हो, वैसा नहीं कि कुछ भी ले लेना है, है ना। इट शुड बी वेल डिफाइंड, है ना, वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूनिट की प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये एक लेंथ है, इसको मापने के लिए यहाँ पर देख रहे हो एक स्टैंडर्ड लेंथ लिया गया है, ठीक है, पी क्यू, और इससे इसको कंपेयर कर दिया गया। तो कंपेयर करने पता चला कि इसका फाइव टाइम्स है, तो लेंथ ऑफ ए बी फाइव पी क्यू, मेजरमेंट हो गया। अब चूंकि हम पी क्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो पी क्यू यहाँ पर यूनिट कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये बड़ा सा टब है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसको छोटे से मग, है ना, मग के वॉल्यूम से इस पानी के वॉल्यूम को कंपेयर किया जा रहा है। पता चला कि 50 टाइम्स है इसका, मतलब 50 बार इसको भर भर के निकालो बाहर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 50 मग। तो आपने इसका वॉल्यूम मेजर किया, तो उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिया मग। तो यहाँ मग क्या है, मग यूनिट का काम कर रहा है। उसके बाद ऐसे यहाँ पर देखो ये लेंथ मापना था, तो मैंने एक स्टैंडर्ड लेंथ लिया मीटर, पता चला कि इसका 2 टाइम्स है, तो 2 मीटर हो गया, ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने इम्पॉर्टेंट नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी का मेजर लिखते हैं तो वहाँ दो चीज़ आ जाती है, एक नंबर आता है और एक यूनिट आ जाता है ना। तो जो मेजर लिखाता है वो बेसिकली ऐसे लिखाता है, n into u के फॉर्म में होता है, जहाँ n नंबर होता है और u यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट तो समझ में आ गया, यूनिट वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे आप दिए गए क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। पर n क्या है, n बताता है कि वो जो दिया गया क्वांटिटी है वो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कितना गुना है, है ना, चाहे उस दिए गए क्वांटिटी में ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बार आ जाएगा, है ना। जैसे देखो ये 2 मीटर लेंथ है और जब हम इसको 1 मीटर से कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ऐसा तो 2 आ जाएगा, इसमें नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मेजर क्या हो गया, 2 मीटर, यहाँ 2 एन हो गया नंबर, मीटर हो गया यूनिट। यानी जब भी किसी का मेजर लिखते हैं तो उसे एन यू के फॉर्म में आता है, जहाँ एन हो जाता है नंबर और यू हो जाता है यूनिट, ओके। अच्छा, यूनिट के प्रॉपर्टीज पर चर्चा हो रही थी, तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो भैया पहली बात कि वेल, इट शुड बी वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए। जैसे आप मीटर जो कह रहे हो तो कितने बड़े लेंथ को कह रहे हो, या सेकेंड जो कह रहे हो टाइम को, नहीं आपने टाइम आपने सेकेंड लिया तो पता होना चाहिए ना कि 1 सेकेंड कितना बड़ा समय होता है, ठीक है। या फिर फोर्स मापने के लिए आपने न्यूटन को लिया तो पता होना चाहिए ना कि न्यूटन कितना बड़ा फोर्स होता है, ठीक है। तो जो भी यूनिट आप ले रहे हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, इट शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, है ना। अब जैसे कि बित्ता समझते हो ना, ये भी एक स्टैंडर्ड लेंथ है और हम चाहें तो किसी लेंथ को मापने के लिए इस बित्ते का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इससे भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ ये 2 बित्ता है, 4 बित्ता है, 6 बित्ता है। पर बित्ते को यूनिट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, पता है क्यों, क्योंकि मेरा बित्ता का जो लेंथ है और तुम्हारे बित्ते का जो लेंथ होगा वो सेम थोड़ी होगा, अलग अलग होगा, पर्सन टू पर्सन तो वेरी कर जाएगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मान लो मुझे अपने लिए जूता खरीदना और मैं अपने हाथ से अपना पैर माप के, बित्ता से पैर माप के बता दिया कि इतना बित्ता, 2 बित्ता चाहे 1.5 बित्ता
मेरा पैर है तो इतना बड़ा जूता ले आइएगा। अभी तो मेरे भी इतने का साइज हुआ, ठीक है, सामने वाले पर्सन मुझसे बहुत लंबा था, उसके हाथ भी बड़े बड़े, बित्ते भी बड़े बड़े थे, तो उसने अपने बित्ते से माप के लिया है डेढ़ बित्ता। अब जाहिर सी बात है कि उसका, उसने जो जूता लाया होगा वो मुझे फिट नहीं बैठेगा। नहीं, मैं उससे झगड़ा करूँगा, कैसे जूता लाया, साइज बता दिया था, साइज तो बता दिया था, फिर गड़बड़ कैसे हो गया। तो बोलेगा तुमने डेढ़ बित्ता बोला था, डेढ़ बित्ता है, ठीक है, तो मैं मापूंगा तो मुझे दो बित्ता मिल जाएगा, मैं कहूँगा तो ज़्यादा ले लिए, वो बोलेगा अरे देखो डेढ़ बित्ता है, मैं माप, वो खुद माप के बताएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बित्ता तो पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा, तो बित्ता को यूनिट नहीं होना चाहिए ना, मीटर जो है वो एक खास लेंथ है और सबको सबको बता दिया गया है कि इतने बड़े लेंथ को मीटर कहना है, है ना, उसके बराबर बराबर नाप काट काट के छड़ी सबको दे दी गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर हर लेंथ को मीटर में नहीं माप सकते हैं, तो छोटे छोटे भी लेंथ डेवलप किए गए, जैसे कि मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है। सेंटीमीटर पता है ना कि जो मीटर होता है उसका आपको क्या लेना है, 100वां हिस्सा लेना है, एक मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दो तो जो एक हिस्सा आएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो पता है ना कि सेंटीमीटर कितना बड़ा लेंथ होता है, ठीक है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो। तो जो भी यूनिट होता है उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्लस उसको पर्सन से पर्सन वैरी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इट शुड नॉट बी रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे, कैसे बताऊँ मैं, जैसे मीटर को ही ले लो, ठीक है, मीटर को ही ले लो, मीटर को अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कितने बड़े लेंथ को मीटर कहना है, ठीक है, एक छड़ी अलग जगह लेबोरेटरी में रख दिया गया हुआ है ना, इंडिया में भी रखा हुआ है, अलग कंट्री में भी रखा हुआ है, ठीक है, और उस छड़ी, खास जो छड़ी है वो स्टिक है, उसकी लेंथ को 1 मीटर कहा जाता है, और उसी के बराबर बराबर छड़ी जो है हम लोग काट काट के अपने पास रखते हैं और उसको 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। मान लो ये सारी छड़ियाँ गायब हो जाए, तो फिर से उतनी ही बड़ी छड़ी जिसको हम 1 मीटर कहते थे कैसे प्राप्त होगा, है ना। अगर मैं बना लूँ तो मेरे मन में शक रहेगा ना कि पता नहीं ये उतनी ही बड़ी है, जैसे मान लो ये जो है ये गायब हो जाए, ठीक है, अब मुझे इसी के बराबर बनानी है और मैं खुद गया एक अंदाज से छड़ी काट के लाया, तो मुझे शक रहेगा ना कि पता नहीं ये एग्जैक्टली उतना ही बड़ा है कि उससे छोटा है कि उसके बराबर है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा अगर एग्जैक्टली उतना बराबर नहीं हुआ तो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, पहले का सारा किया हुआ मेजरमेंट बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि अब मेरे पास नया स्केल है और नए स्केल में जो मेरा नया मीटर है उसका लेंथ कुछ और है। तो पहले अगर मैंने किसी लैंड को मापा होगा कि ये 20 मीटर लंबा, 30 मीटर, ठीक है, चाहे 15 मीटर चौड़ा है, तो अब जो नए लेंथ से मापने चलूँगा तो अलग आएगा ना, समझ में आया, क्योंकि अब का जो मीटर है वो पहले के बराबर मीटर नहीं है। तो इस तरह की जो गड़बड़ी है ना वो नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब अगर सारी छड़ियों को गायब भी कर दिया जाए फिर भी हम फिर से एग्जैक्टली उसी लेंथ का स्टिक बनाने में नहीं कामयाब हो जाएं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता भी है, हम कर सकते हैं क्योंकि मीटर को डिफाइन किया गया है कि कितने बड़े लेंथ को मीटर कहते हैं, है ना, इसकी डिफिनीसन क्या है मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उसको डिफाइन कर दिया गया है कि हाँ इतने बड़े लेंथ को 1 मीटर कहना है, क्लियर है। तो उस डिफिनीसन की मदद से हम फिर से उतनी ही बड़ी स्टिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मीटर जो लेंथ है वो रिप्रोड्यूसेबल है, तो जो भी यूनिट होना चाहिए वो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर, नहीं, इन सब से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन सब का इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और अगर यूनिट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो फिर उसका लॉ ऑफ वेरिएशन पता होना चाहिए, यानी ये पता होना चाहिए कि इसमें जो बदलाव हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अगर लॉ पता है तो फिर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, कि कितना चेंज उसमें आया होगा। और दूसरी बात है, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, कि जो भी आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो या आपने जिसकी क्वांटिटी को यूनिट का दर्जा दिया है उसे सभी एक्सेप्ट करते करें, है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वरना पता चले जैसे मीटर, मीटर क्या है,
लगभग सभी लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं, है ना, मीटर वाइडली एक्सेप्टेबल है, पर जो जैसे कि फुट फिट होता है तो फिट को भी लोग इस्तेमाल करते ही हैं। हो सकता है किसी कंट्री में फिट इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता हो, बट फिट को भी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर आपने कोई अपने से कोई बना लिया, ठीक है, कोई स्टिक लिया और कहा कि अब से इस ये जो खास लेंथ है इसका नाम रहेगा, कुछ रख दिया आपने, सपोज दैट क्या रख दिया, सचिन ही रख दिया, और कहा कि अब से सारे लेंथ सचिन में मापे जाएंगे, नहीं ये 5 सचिन लंबा है, वो 6 सचिन लंबा है, ठीक है। पर ये सिर्फ आप इस्तेमाल करते हो और आपके अड़ोसी पड़ोसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर उसको यूनिट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है ना। यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसको सभी लोग इस्तेमाल करें। हाँ, अलग बात है कि अगर आपका सचिन सभी इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर वो भी यूनिट का दर्जा पा लेगा। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना रहने देते हैं, है ना। आज हमने चर्चा किया साइंस पे, आज हमने चर्चा किया फिजिक्स पे, आज हमने चर्चा किया मेजरमेंट पे, आज हमने चर्चा किया यूनिट पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, है ना, और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आज रहने देते हैं, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और लाइव क्लासेज अब चलेंगी, ठीक है, बता दिया जाएगा टाइमिंग, और आई थिंक हम कल भी लाइव क्लास शुरू करेंगे सेम टाइम में 7:30 में। तो आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़े, ओके। चलिए अच्छी बात है, फिर मिलते हैं, बाय।